इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पॉइंट जो कि गैलेनिस सेल का कंपेयर करना अपने को, एक्सटर्नल वोल्टेज और गैलेनिक सेल के जो वोल्टेज है उसका कंपेयर करना विद डायग्राम, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करूंगा प्रॉपरली, उनके डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर डिस्कस करूंगा सेल पोटेंशियल के बारे में और फिर सॉल्ट ब्रिज के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट जुड़ जाइए, जल्दी कीजिए। चलिए ज्वाइन कीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी करो भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो देखो आज अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो कौन कौन से पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मुझे ध्यान रखना। पहला मैं डिस्कस करूंगा गैल्वेनिक सेल में जो सेल पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट एंड जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। दूसरा मैं डिस्कस करूंगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, इनकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। ठीक है, इसके बाद में गुड आफ्टरनून राहुल, तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो अपना रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन, और चौथा पॉइंट अगर पॉसिबल हुआ तो कोशिश करेंगे आज की आज इसको करने की, वो रहेगा अपने पास सॉल्ट ब्रिज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं भैया। गुड इवनिंग निकिता, गुड इवनिंग हर्षिता। जल्दी करो, जल्दी करो, जितने जल्दी जल्द जुड़ते जाओगे बढ़िया बढ़िया, फटाफट। नहीं, मैं क्या लेट हो गया कह रहा हूँ, कहीं चला गया था एक्चुअल में, क्या खाना खाने लग गया था, लगातार क्लासेस थी और मैंने खाना खाया नहीं था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, तो अप्रोक्स सारे बच्चे आ गए होंगे, लाइक जरूर कर दो। स्टार्ट करूं फिर मैं? ओके, क्लास 8 बजे से ही होगी, इवनिंग की क्लास 8 बजे से ही होगी, संडे की क्लास 10 बजे से ही होगी, और संडे की क्लास जरूर ध्यान रखना, संडे की क्लास मिस मत करना, कल की क्लास मिस मत करना। मैं कल बताऊंगा पी ब्लॉक की रिएक्शंस प्लस प्रोसेस कि कौन कौन सी प्रोसेस है, जैसे हैबर प्रोसेस है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, डेकन प्रोसेस है, ये सारी की जितनी प्रोसेसेस हैं वो सारी की सारी मैं डिस्कस करूंगा कल वाले टॉपिक्स में, इसलिए कल की क्लास मिस मत करना कोई बच्चा, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का पी ब्लॉक ही है भैया, ध्यान रखना। इसलिए चलिए तो अपन इन पॉइंट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, एनसीईआरटी बुक्स को सामने रखना भैया, जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक्स को सामने जरूर रखना है, ताकि जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उसकी थ्योरी को आप अच्छी तरह समझ सके बुक के अंदर। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गैल्वेनिक सेल का कंपेयर के, गैल्वेनिक सेल। गुड इवनिंग अंकित, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए भैया अपन डिस्कस करेंगे आज गैल्वेनिक सेल का कंपेयर की। अगर आपको याद हो तो मैंने जो रिएक्शन बताई थी वो क्या थी, जिंक थी, जिंक सॉलिड स्टेट में Cu+2 आयन चेंज हो रहा था किसमें, Zn2+ में और Cu सॉलिड के अंदर, जो कि एक रेडोक्स रिएक्शन थी। कौन सी रिएक्शन थी भैया? एक रेडोक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल था। इसका जो सेल पोटेंशियल आता है बच्चों, इस सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो कितना आता है, 1.1 वोल्ट आता है। कितना आता है?
1.1 वोल्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बात करें, अब मैं तीन डायग्राम बना रहा हूं भैया, जिसमें एक्सटर्नल वोल्टेज को यूज करते हुए देखना है। और देखिए, जनरली मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कल कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड होता है, क्लियर है, और करंट का फ्लो कैथोड से एनोड, दैट मींस फ्लो अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट का फ्लो किसे होता है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होता है, क्लियर है। यहां तक बात अपने ढंग से कर ली थी, गुड इवनिंग हिमांशु। अब मैंने ये कहा था कि एनोड पे चार्ज कोई सा भी हो, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, भले चार्ज कैसा भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, और ऐसा ही कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है, भले चार्ज कोई सा भी हो। क्लियर है? क्लियर है ना सबको इसका? चलिए आगे चलते हैं अपन। मैं डायग्राम बना रहा हूं भैया, तीन डायग्राम बना रहा हूं मैं। पहला डायग्राम ये वाला है जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड अटैच्ड है एमीटर से, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड, इसको जोड़ रखा है रेजिस्टेंस से। इस तरह से देखो, आपको डायग्राम दिख रहा होगा एनसीईआरटी बुक के अंदर, और यहां दे रखा है ई एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज कितना दे रखा है? एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन दे रखा है 1.1 वोल्ट के, ठीक है। और ये अपने पास सॉल्ट ब्रिज, पहला डायग्राम ये। दूसरे डायग्राम की बात करें, देखो डायग्राम साफ बने या नहीं बने इससे कोई ध्यान नहीं है, बात अपने मैटर की है, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं वो कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है, ठीक है। ये लीजिए, ये एनोड, ये जिंक रोड, ये कॉपर रोड, ये कॉपर सल्फेट भरा है, और ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फिल है यहां पर, क्लियर है। ऐसे ही मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, इसके अंदर ये एनोड, वही जिंक इलेक्ट्रोड, ये कैथोड जो कि कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर सल्फेट के अंदर डीप है, और ये जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप है, और यहां लिख रखा है इन्होंने ई एक्सटर्नल इक्वल है 1.1 वोल्ट के। देखो मैं ये कंपेयर करवा रहा हूं कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज सेल पोटेंशियल से ज्यादा हो तो क्या इफेक्ट होगा, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज सेल पोटेंशियल के इक्वल हो तो क्या होगा, और थर्ड कंडीशन अगर, थोड़ा छोटा बनाया था इस डायग्राम को, ये शॉर्टली बना रहा हूं भैया, समझ लेना, ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। ये तीन डायग्राम हो गए अपने पास, एनसीईआरटी में सबको मिल गए होंगे, एनसीईआरटी में तीनों डायग्राम सबको मिल गए होंगे, क्लियर है। हम मैं ये कह रहा हूं, पहला जो डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम में, इसमें लिख रखा है अगले ने ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, मिल गया होगा आपको सबको। इस सेकंड डायग्राम में लिख रखा है ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट, और इस थर्ड डायग्राम में लिख रखा है ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। ये तीनों पॉइंट्स आपको मिल गए क्या एनसीईआरटी में? मिल रहे हैं। अब मैं बात ये कर रहा हूं कि एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले एनसीईआरटी का सीबीएसई बोर्ड में, तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? क्या कह रहा हूं, उस पॉइंट को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, और उसमें कौन कौन से पॉइंट अपने को लिखने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या कह रहा हूं, कौन कौन से पॉइंट अपने को मेंशन करने हैं, राइट लिखने हैं, ये आपका वहां पर मेन पॉइंट रहेगा।
कि मेरे को क्या क्या उस एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां क्या क्या लिखना है। तो देखिए भैया, सबसे पहली बात, जब सेल पोटेंशियल का, सेल कौन सा, डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल ज्यादा होता है एक्सटर्नल पोटेंशियल से। क्या कह रहा हूं, जब सेल कौन से सेल का, डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल ज्यादा हो एक्सटर्नल पोटेंशियल से तब क्या होगा। तो जनरली अपन ध्यान रखना, एनोड की रिएक्शंस की बात करेंगे और कैथोड की रिएक्शन की बात करेंगे। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। देखो पहला पॉइंट मैंने कहा कि जब सेल पोटेंशियल कौन सा, डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल से ज्यादा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे फ्रॉम एनोड से कैथोड की ओर मूव करेंगे। दूसरा पॉइंट, करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दैट इज अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जहां समझ में नहीं आया मेरे को बता देना। पहला पॉइंट मैंने लिया, जो अपने डेनियल सेल में पढ़ा था ना, वही पॉइंट ले रहा हूं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा, एनोड की ओर, सॉरी एनोड से कैथोड की ओर। कब? जब सेल पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एनोड से कैथोड की ओर, दूसरा करंट का फ्लो होगा कैथोड से एनोड की ओर, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां जिंक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होगा। कहने का मतलब क्या होता जाएगा भैया, थिन होता जाएगा। ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कल, अगर आपको याद हो तो, कि जिंक इलेक्ट्रोड क्या होता जाता है, डिकम्पोज होकर के जेड प्लस टू बनाएगा और सॉल्यूशन में डिप होता चलेगा। क्लियर है? ओके तो क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड यहां से जिंक डिकम्पोज होगा और सॉल्यूशन में क्या होता जाएगा भैया, डिसॉल्व होता जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जिंक धीरे धीरे क्या होता जाएगा, थिन होता चला जाएगा। यानी जिंक इलेक्ट्रोड डिकम्पोज एंड मूव इन सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? या एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखे तो ये लिख रखा है कि जिंक इलेक्ट्रोड डिसॉल्व एट एनोड। ये लो भैया, इसका मतलब यही है। अब जो चौथा पॉइंट वो कॉपर के रेस्पेक्ट में, कॉपर क्या हो रहा था, कॉपर Cu+2 इस सॉल्यूशन में से Cu+2 क्या हो रहे थे, लिबरेट हो रहे थे कॉपर इलेक्ट्रोड पर और इसकी थिकनेस को इंक्रीज कर रहे थे, यही था। तो अगर मैं फोर्थ पॉइंट लिखूं, यहां कॉपर इलेक्ट्रोड डिपॉजिट, कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, दैट इज कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या होगा उसका, उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब मेरे को ये बताओ भैया, ये चारों पॉइंट आपको समझ में आए क्या? हवा, हिमांशु, निकिता, हर्षिता, खुशी, सुमन, क्या ये पांचों चारों पॉइंट समझ में आ गए क्या? ये पांचों पॉइंट जो मैं बना रहा हूं वो किस पे बेस बना रहा हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पर। कब? जब सेल का, डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल ग्रेटर हो किससे, एक्सटर्नल पोटेंशियल से। क्या कह रहा हूं, जब डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल से क्या हो, हाई हो। अंकित भी है क्या भाई, अंकित समझ में आ गया बस आपको भी? तो ये चार पॉइंट थे जिसमें मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड,
करंट का फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और जिंक का जिंक इलेक्ट्रोड से जो जिंक होगा वो एनोड पर क्या हो जाएगा भैया, डिसोल्व हो जाएगा, और लास्ट में लिखा मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर क्या होने लग जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा। लेकिन ये कंडीशन याद रखना, ये कंडीशन कब है, जब ये एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा इस डैनियल सेल के सेल पोटेंशियल से। ओके ओके अंकित, चलिए तो ये था पहला पॉइंट, एक्सटर्नल का मतलब अप्लाइड करना पड़ेगा भाई, सेल में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो तो सेल का पोटेंशियल हो गया, और अगर अपन एक्स्ट्रा लगाए बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल, जैसे इन्वर्टर को रिचार्ज करते हैं अपन भाई, इन्वर्टर को चार्ज करते हैं ना, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, और जैसे लाइट चली जाती है अपन जो सेल है उसी सेल की सेल पोटेंशियल को यूज करते हैं इस तरह से। ठीक है सुमन, बात समझ में आ गई होगी तेरे। चलिए एक बार इस पॉइंट को नोट कर लो, मैं इसको रख करके इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा, मैं एक बार इसको नोट कर लो भैया फटाफट। नोट कर लिए सबने? गुड इवनिंग, नाम बताओ भाई अपना। इसको रफ कर दे भाई, देखो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको अच्छी तरह से, इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करूं मैं। शालू शर्मा कौन से स्कूल से? शालू शर्मा कौन से स्कूल से बेटा? देखो मैं तो ये चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे जुड़े और अपनी केमिस्ट्री को इंप्रूव करें। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पैटर्न को अगर किसी को समझना है, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न बेस्ड अगर क्वेश्चंस को समझना है तो आपको डेली क्लास लेनी होगी। अगर आप चाहते हैं अपनी केमिस्ट्री के मार्क्स अच्छे आए, केमिस्ट्री अच्छी इंप्रूव हो जाए, सारी की सारी एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो अपने एनसीईआरटी में लिखी हुई है उस लैंग्वेज को अगर आपको समझना है तो रेगुलर क्लास जरूर ले लो। ठीक है, इवनिंग में 8 बजे से चालू हो जाती है, ध्यान रखना। चलिए और भी अदर बच्चों को आप शेयर करो, जितने भी बच्चे आपसे जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, जितने हो सके उन बच्चों को शेयर करो अपने वीडियो लेक्चर्स, अपने चैनल के बारे में बताएं, जब ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं ना मजा आता है पढ़ाने का भी। चलिए तो भैया बात करते हैं अपन एक्सटर्नल पोटेंशियल की, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल हो जाए 1.1 वोल्ट के। क्या कहा मैंने, जब सेल का पोटेंशियल, डैनियल सेल का पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल के क्या हो, इक्वल हो, तो भैया ध्यान रखना जब ये वाली कंडीशन होगी पहला पॉइंट, कब, जब इंटरनल सेल का सेल पोटेंशियल, डैनियल सेल का पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना वहां कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो केमिकल रिएक्शन, वहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अरे आप देखो जब केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा? नहीं, तो आप लिखोगे नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हुई तो एनोड से इलेक्ट्रॉन, भाई एनोड से जिंक का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और जब जिंक ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जब जिंक ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो भैया इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से होगा? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो कॉपर कहां से इलेक्ट्रोड लेगा? पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा कि जब एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल 1.1 जो कि डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल है उसके इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में उस सेल के अंदर कोई भी रिएक्शन
नहीं होगी। जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो भैया इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं हो सकता। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए क्या इसके? फटाफट बता दो, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए क्या? जल्दी से बताते चलो भाई। मानशु, निकिता, शालू, हर्षिता, खुशी, अंकित, एवरीबॉडी, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए क्या? कब? जब एक्सटर्नल पोटेंशियल डैनियल सेल के सेल पोटेंशियल के इक्वल हो जाए तो उस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। जब रिएक्शन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होगा। क्लियर हुई बात? चलिए एक बार इसको नोट करो। अब मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, ठीक है? इसको नोट करो एक बार फटाफट। चलिए बात करते हैं अपन थर्ड सेल की, जिसमें मैंने कहा कि एक्सटर्नल पोटेंशियल विल ग्रेटर देन द सेल पोटेंशियल। देखिए ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है, वैसा ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है। हाइपोथेटिकल मैं कह दूं कि मैंने क्या कर दिया, अचानक इस एक्सटर्नल पोटेंशियल को इस सेल पोटेंशियल से इंक्रीज कर दिए, कर दिया मैंने कंपेयरली। क्या किया मैंने कि इस एक्सटर्नल पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया किससे? डैनियल सेल के सेल पोटेंशियल से। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। देखिए भैया, जो रिएक्शन हो रही थी यहां पर, जब मैंने कहा एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन होगा सेल पोटेंशियल के, तो देखिए यहां पर ने क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, करंट फ्लो होगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दैट इज अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? थर्ड पॉइंट मैंने लिखा, जिंक इज डिसॉल्व्ड एट एनोड। और फोर्थ पॉइंट में लिखा, कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड। यही लिखा। अब देखिए भैया, यहां मैंने इस पोटेंशियल का जस्ट रिवर्स कर दिया। रिवर्स किया कि नहीं? यहां मैंने क्या कर दिया, अचानक एक्सटर्नल पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया डैनियल सेल के सेल पोटेंशियल से। इससे क्या इफेक्ट होगा? जो प्रोसेस यहां हो रही थी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। क्या कह रहा हूं, जो प्रोसेस यहां हो रही थी जस्ट रिवर्स यहां हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ? पहला पॉइंट ले अपन, पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड हो रहा था। आप सुनो भैया, जब मैं इसके अंदर एक्सटर्नल पोटेंशियल को सेल पोटेंशियल से इंक्रीज कर दूंगा तो ये जो कॉपर था और ये जो जिंक था इसका साइन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब अब ये बन जाएगा भैया एनोड और ये बन जाएगा कैथोड। पहला पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। क्या कह रहा हूं, कॉपर क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा, और जिंक क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। वैसे होती नहीं है, मैंने कहा इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल मान के चलना है। क्यों? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी और जिंक की रिएक्टिविटी में से ज्यादा जिंक की रिएक्टिविटी होती है, कॉपर की नहीं होती। ये अपन जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, अपन ने 10th में पढ़ा है और 11th में पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर कि कॉपर और जिंक में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, जिंक, कॉपर नहीं है। डी ब्लॉक में मैंने पढ़ा है, डी ब्लॉक में भी मैंने इसको बारे में पढ़ा है। तो अब देखिए, जब मैंने रिवर्स कर दिया, कब? जब मैंने कहा कि एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द डैनियल सेल सेल पोटेंशियल, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड।
देखो देखो फटाफट बताओ मेरे को ये पॉइंट समझ में आ गया क्या, जल्दी बताओ ये पॉइंट समझ में आ गया क्या। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो सेकंड पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है तो करंट का फ्लो इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो भैया करंट इस फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। हिमांशु समझ में आ रहा कि नहीं बेटा? हिमांशु, दीपांशी, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट होगा करंट का फ्लो। करंट का फ्लो कहां से कहां होगा? जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, यहां जिंक क्या हो रहा था? डिसोल्व हो रहा था। जब रिएक्शन अपोजिट हो गई तो जिंक क्या होने लग जाएगा? डिपोजिट होने लग जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं जिंक इज डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हाइल कॉपर इज डिसॉल्व। क्या होने लग जाएगा भैया? कॉपर डिसॉल्व होने लग जाएगा। चौथा पॉइंट दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको इधर ले लेता हूं। जिंक इज डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड लिख लो। फोर्थ पॉइंट को मैं इधर लिख रहा हूं, फोर्थ पॉइंट को मैं इधर लिख रहा हूं। क्या है? कॉपर डिसॉल्व एड कॉपर इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब जिंक क्या होता जाएगा? ठीक होता जाएगा। और कॉपर क्या होता जाएगा यहां इस कंडीशन में? ठीक होता जाएगा। अब मेरे को ये बता दो, ये तीनों डायग्राम और इन तीनों डायग्राम के ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? केवल इस सेल के अंदर मैंने कहा था कि जब एक्शन पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाए तो उस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। जब कोई रिएक्शन नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हुआ तो करंट का फ्लो भी नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया? अब मैंने ये कहा कि जब मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिए जो जनरल अपन जानते हैं, तो उसके जस्ट अपोजिट क्या हो गया? ये परमानेंट, ये टॉपिक्स हो गए। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीन शॉट लो। अपना सेकंड पॉइंट रहेगा अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशंस के बारे में। वेरी गुड, नोट भी करते चलना भैया, है ना? रब कर दिया जाए। चलिए चलिए नेक्स्ट एंड डालिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेशन का, या तो 1 मार्क से क्वेश्चन बन सकता है आराम से। और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है तो भैया ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखनी है।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शॉर्ट में आप इसको ईपी कह सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक तो इसकी डेफिनेशन समझाता हूं, सिंपल से ध्यान रखना। डेफिनेशन को याद रखने का तरीका क्या रहेगा, आपको इसकी डेफिनेशन इस डायग्राम से याद रखनी है। क्या कह रहा हूं, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन अपने को इस डायग्राम से याद रखनी है। अगर बाय द वे भूल भी गए तो डायग्राम को दिमाग में रखना, अपने आप डेफिनेशन सामने आ जाएगी। क्या है डेफिनेशन, देखिए ये एक पोर्ट था जिसमें एक इलेक्ट्रोड डिप है, ये मैंने इलेक्ट्रोड ले लिया। अब ये इलेक्ट्रोड एनोड भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रोड कैथोड भी हो सकता है, कोई सा भी इलेक्ट्रोड हो सकता है। ठीक है, मैंने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रोड है, सपोज करो मैंने जिंक का मान लिया, तो ये किस में डिप होगा भैया, जिंक सल्फेट में डिप होगा। तो जो इलेक्ट्रोड जिस तरह का, जिस मेटल का बना हुआ है, वो उसी के सॉल्यूशन में क्या होगा, डिप होगा। अब देखिए भैया क्या कह रहा हूं, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जिंक ऑक्सीडाइज होकर के सॉल्यूशन में आने लग जाता है, यानी इन द फॉर्म ऑफ Zn+2। यही था क्या, यही था। अब जहां से इलेक्ट्रॉन थे वो कहां जा रहे थे, यहां एनोड से कैथोड की ओर मुंह करने लग गए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी यहीं पर है, इलेक्ट्रॉन अपने पास ये रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ये ऑक्सीडाइज होगा तभी तो यहां से इलेक्ट्रॉन मुंह करेंगे। अब देखिए भैया, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, चार्ज डिफरेंस जनरेट हो गया। क्या कह रहा हूं, चार्ज डिफरेंस, क्या कह रहा हूं, चार्ज डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन Zn2+, इलेक्ट्रॉन Zn2+, ये वाली इस तरह से, इस इलेक्ट्रोड को मैंने बाहर निकाल के बता रहा भैया, बताया ध्यान रखना, इस इलेक्ट्रोड को मैंने बाहर ले लिया इस तरह से, तो यहां चार्ज डिफरेंस जनरेट हो गया। ये लो भैया, और इसी चार्ज डिफरेंस को ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या कह रहा हूं, इसी चार्ज डिफरेंस को जो यहां डेवलप हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है, तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूं इसकी, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं इसकी, तो क्या होगा, द पोटेंशियल, द पोटेंशियल डेवलप्ड ड्यू टू चार्ज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड देयर सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। देखो यार, तो ये डेफिनेशन बना लो, इसमें थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूं एनसीईआरटी की लैंग्वेज को भी। अब मैं इसी की लैंग्वेज, देखो एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख रहा हूं, ये तो मैंने डायग्राम से बता दिया। एनसीईआरटी में क्या कह रहा है, देखो एनसीईआरटी में ये कह रहा है कि मैंने ये इलेक्ट्रोड ले लिया और इस इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में मैंने डिप कर दिया। देखो मतलब एक ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी अच्छी डेफिनेशन आपको जल्दी से याद हो जाए वो डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, जो भी डेफिनेशन आपको याद हो वो याद कर लेना, बस याद रहना जरूरी है, कोई से भी डेफिनेशन लिखो। तो देखो क्या कह रहा है, इस जिंक और इसके सॉल्यूशन के बीच में, जिंक और इसके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसी को अपन क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यानी मैं कह रहा हूं इस जिंक इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये डेफिनेशन भी एनसीईआरटी दे रखी है, तो इसको भी आप लिख लेना, मैं यहां और लगा के लिख देता हूं, द पोटेंशियल डेवलप एट इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक्चुअल में उसी का सॉल्यूशन है। तो मैंने कहा द पोटेंशियल डेवलप्ड एट इलेक्ट्रोड एंड देयर एंड द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मेरे को ये बताओ दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई क्या? वैसे देखो एक बार समझने की बात है, क्योंकि यहां पे प्लस और इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज, यही आएगा देखना, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो यह है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से चलो तो देखो वो यहां जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन मिले यहां पर इलेक्ट्रॉन, और यहां उसके चारों ओर क्या आने लग जाएंगे, प्लस चार्ज आने लग जाएंगे, तो होगा क्या, एक चार्ज डिफरेंस जनरेट होगा। क्या कह रहा हूं, चार्ज डिफरेंस डेवलप होगा, और उसी चार्ज डिफरेंस की वजह से ये पोटेंशियल जनरेट होता है भैया, और उसी पोटेंशियल को अपन क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सुनो भैया, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू टाइप्स का होता है। क्या कह रहा हूं, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू टाइप का होता है। एक अगर ये एनोड की बात करें, एनोड पे जनरेट होता है, क्योंकि एनोड पे कौन सी प्रोसेस होती है भैया, ऑक्सीडेशन, जानते हैं अब, और ऑक्सीडेशन होगा तो उस पोटेंशियल को अपन कहेंगे भैया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस इलेक्ट्रोड पर जो डेवलप होने वाला पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा उस पोटेंशियल को अपन क्या नाम देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं ये कह सकता हूं कि एनोड पर जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां कौन सा पोटेंशियल जनरेट होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जहां कैथोड है उस कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो भैया यहां जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। टाइप भी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अगर मेरे को ये पता है कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां हो रहा है, तो जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जहां रिडक्शन हो रहा है वहां रिडक्शन पोटेंशियल। ये भैया इसके दो टाइप है, और इसकी डेफिनेशन भी इजी है, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फटाफट हो जाएगा। एक बार इसका नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, और नोट करते चलो भैया, ध्यान रखना, नोट करते चलेंगे। नोट करते हुए चलना भैया। अंकित है या गया, अंकित, हिमांशु, चलिए अब रख करो इसको।
चले गए क्या? कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पर? ओके, हिमांश, दीपांशी, हर्षिता, खुशी, सुमन, निकित, निकिता। ओके चलिए, तो अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो देखो मैं कुछ इस तरह से इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ठीक। इसको डिनोट कर रहे हैं अपन शॉर्टली ईपी से, और ये दो टाइप का हो गया अपने पास। अगर एनोड पर डेवलप होता है ऑक्स पोटेंशियल, दैट मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर कैथोड पर डेवलप हो रहा है पोटेंशियल तो उसको अपन बोलेंगे भैया रिडक्शन पोटेंशियल। और मैंने आपको वैसे बता रखा है कि इलेक्ट्रोड कोई सा भी हो, इलेक्ट्रोड पे चार्ज कोई सा भी हो, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन, ठीक है, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन। भैया कल की क्लास मिस नहीं करोगे, कोई भी 10 बजे वाली क्लास गजब की क्लास रहेगी, ध्यान रखना। हाँ, दीपांशी, हर्षिता, निकिता, खुशी, सुमन, कल वाली क्लास कोई मिस मत करना, ठीक है। चलिए तो अब देखिए भैया, इसी में थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर रहा हूं मैं। पॉइंट ये ले लिया कि अगर यही पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पर लिया जाए, क्या कह रहा हूं, इसी पोटेंशियल को अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन, अब स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करता हूं, इधर ले लेता हूं स्टैंडर्ड कंडीशन, अब अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में कोई सी भी एक मिल जाए, टेम्परेचर मिल जाए कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन मिल जाए तो स्टैंडर्ड कंडीशन। दूसरी कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको मिल जाए 1 m। तीसरी प्रेशर आपको मिल जाए 1 bar। तो इनमें से कोई सा भी मिल जाए, वैसे मैक्सिमम अपने को टेम्परेचर मिलेगा भैया या तो इस केल्विन फॉर्म में या डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पर, स्टैंडर्ड कंडीशन पर इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें और इस रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको शॉर्ट में अपन क्या लिखेंगे भैया, SOP। ऐसे ही स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, यानी इसको क्या कहा जाएगा, SRP कहा जाएगा, ठीक है। अब सुनिए भैया, मैं एक नोट बता रहा हूं आपको, नोट ये है कि जो आईपीसी कन्वेंशन है, जो अपने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जिनेवा में है, उन्होंने ये कहा कि जो SRP है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको अब किस टर्म में यूज कर रहे हैं, सॉरी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको शॉर्टली मैं क्या कह दूं, SEP, इसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आईपीसी कन्वेंशन में के अकॉर्डिंग, अब इसको अपन क्या मान के चलेंगे, SRP मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, SRP मान के चलेंगे। और ध्यान रखना भैया, ये जितनी भी वैल्यूज होगी ना, आपको डाटा मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, SRP की फॉर्म
फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लिथियम मेटल से लेकर के फ्लोरीन, लिथियम से फ्लोरीन की ओर एसआरपी की वैल्यू क्या होती है? हमेशा इंक्रीज होती है। ये अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा है, वापिस डिस्कस करूंगा मैं यहाँ, इसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा एसआरपी और एसओपी के। लेकिन जितनी भी वैल्यूज अपने को मिलेगी बाय डिफॉल्ट वो किसमें मिलेगी भैया? एसआरपी के अंदर मिलेगी, एसओपी के अंदर नहीं मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन में अपन अप्लाई करेंगे एसओपी और एसआरपी को और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू है सेल्फ इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो किस फॉर्म में मिलेगी आपको? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में मिलेगी। क्लियर है यहां तक बात? अब अगर यहां तक बात क्लियर हो गई तो एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर अपने को निकालना होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इसको मैं डिनोट कर रहा हूं ई नोड सेल, किससे डिनोट कर रहा हूं? ई नोड सेल। और ये किसके इक्वल होता है भैया? ये इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो भैया ये एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला बनता है, याद रहेगा। इसको मैं कुछ यहां लिख लेता हूं, यहां लिख रहा हूं इसको ई नोड सेल इक्वल टू हो गया ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, पहला फॉर्मूला। दूसरा, इसी को आप लिख सकते हो, देखो नोड जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है वो बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। अगर नोड लग रहा है डॉट जो सर्कल वाला ये वाला, तो ये मान के चलना वो कंडीशन कौन सी है? स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो ये देखो कैथोड पे क्या हो रहा था? रिडक्शन। कैथोड पे क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था, यानी एसआरपी माइनस ई नोट एसओपी, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। और एक और बना सकता हूं इसी का, ई नोट सेल इज इक्वल टू, रिडक्शन हमेशा किस पर होता है? कैथोड पर। और कैथोड हमेशा कहां होता है? राइट हैंड साइड में। कैथोड जो इलेक्ट्रोड था वो अपने से राइट हैंड साइड में प्रेजेंट था, तो मैं इसको लिख सकता हूं ई नोट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो एक तो तीन ये न्यूमेरिकल फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं? याद हो गए होंगे कैथोड माइनस एनोड, एसआरपी माइनस एसओपी और ई राइट माइनस ई लेफ्ट, अच्छी तरह से याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से। चलो इसको नोट करो एक बार फटाफट, यहां तक सारा समझ में आ गया होगा? कोई है इसको जिसको ये समझ में नहीं आया होगा? कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? और ये फॉर्मूले, पर इस फॉर्मूले से कभी भी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करेंगे, ये तो एग्जाम में लिखने के लिए है कि अगर आपको पूछ लिया जाए तो एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो ये फॉर्मूले लिख देना है। लेकिन न्यूमेरिकल आए तब कैसे सोल्व करना है उसका तरीका, उसकी ट्रिक मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन अगर थ्योरिटिकल लिखवाने की बात आती है, कॉपी में लिखने की बात आती है बच्चों, तो ये लिखना है अपने को, ठीक है? चलिए नोट करो फटाफट एक बार इसको। नोट कर लिया सबने? आगे चले, अब आगे देखिए सेल्फ पोटेंशियल की डेफिनेशन बताता हूं मैं।
अब देखिए भैया, मैं सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन भी यहीं से बनाऊंगा। देखो, इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल था वो रिडक्शन पोटेंशियल था। और ये बताओ, ये हाफ सेल रिएक्शन थी, ये हाफ सेल रिएक्शन थी। ये भी तो पढ़ने पड़ा है कि एनोड पर हाफ सेल रिएक्शन हो रही थी और कैथोड पर हाफ सेल रिएक्शन हो रही थी। तो पूरी जो रिएक्शन थी, नेट सेल रिएक्शन, वो किसकी थी? एक पूरे सेल के लिए, पूरे सेल के लिए थी। और अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों के पोटेंशियल को ऐड कर दिया जाए, द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अब इन दोनों के बीच का, एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वही क्या कहलाएगा? सेल का पोटेंशियल, दैट मींस सेल पोटेंशियल। तो भैया डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी पहले। इसको लिखते हैं ई सेल्स। क्या कह रहा हूं? ई सेल्स डेफिनेशन लिखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स एनोड एंड कैथोड ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। क्या कह रहा हूं? द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स एनोड एंड कैथोड ऑफ ए गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, ई सेल। और ये इक्वल होता है, ई सेल आर इक्वल टू द ई कैथोड माइनस ई एनोड। नॉट नहीं लिख रहा हूं, अभी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लिखी है मैंने। अगर नोट होता तो स्टैंडर्ड कंडीशन लेता मैं। तो या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, या मैं कह दूं ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। और अगर मैं इसी को एट स्टैंडर्ड कंडीशन ले लूं, तो अभी तीनों फॉर्मूले मैंने यहीं से बनाए थे, आपको याद हो तो वो तीनों फॉर्मूले सेल पोटेंशियल के ही थे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ये क्या होगा? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, यानी एसआरपी कर दूं, माइनस ई नॉट एसओपी, या ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ये लो भैया, ये था अपने पास सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन। और भैया इसको जो मेजर किया जाता है, ये भी लिख लेना, इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। यानी सेल पोटेंशियल की अगर आपको यूनिट पूछ ली जाए तो वो क्या होगी भैया? वोल्ट होगी। अब एक डेफिनेशन है ईएमएफ ऑफ द सेल की। यानी इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ऑफ सेल, इसका देखो डेफिनेशन पूछ सकता है इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वो भी लिख लो, द ईएमएफ ऑफ द सेल, द सेल पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन
नो करंट इज ड्रोन थ्रू द थ्रू द सेल। तो देखिए सेल पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट ड्रोन थ्रू द सेल, इन दैट केस द सेल पोटेंशियल इज टर्म्ड एज ईएमएफ ऑफ द सेल। लेकिन केवल डेफिनेशन याद रखनी है, इसके अलावा जब भी सेल पोटेंशियल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ईएमएफ लिख दो या ई सेल लिख दो, बात एक ही रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है भैया, दोनों की दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। हो गया, चलिए लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं अपन। कुछ पॉइंट्स हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में, मैंने कहा था सोल्ट ब्रिज इंपॉर्टेंट है, वैसे देखो पूछा सकता है, पूछ भी सकता है इसके लिए। ठीक है, चलिए मैं रफ कर दूं इसको। चलिए एक सॉल्ट ब्रिज का यूजेज लिख लो, फिर फिनिश करते क्लास आज की। सॉल्ट ब्रिज पहला पॉइंट लिखे भी है, सॉल्ट ब्रिज क्या है? पहला पॉइंट, इट इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब, यानी इस तरह से एक इन्वर्टेड ट्यूब थी, इस तरह की, इन विच सॉल्ट इज फेड लाइक कैसियल KNO3, MgCl2, NaCl एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट, विद अगार अगार पेस्ट इस अगार अगार पेस्ट के साथ में ये सॉल्ट फिल होता है, किसमें? सॉल्ट ब्रिज में। दूसरा पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट ऑफ सेल, यानी इसके बिना सेल काम नहीं करता, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, एंड इट कनेक्ट टू टू हाफ सेल्स, दोनों हाफ सेल्स के अंदर कनेक्ट होता है ये। तीसरा,
कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। इक्वल होगा कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। ये लो भैया कुछ पॉइंट्स हैं जो साल्ट ब्रिज के थे वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट इसमें से, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये दोनों पॉइंट लिखने हैं भैया। तीसरा याद हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये दो पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है अपने पास एग्जाम बोर्ड के अंदर, ठीक है। अब सुनिए भैया, जो आगे की जो क्लास रहेगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कह रहा हूं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसमें डिस्कस करेंगे अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, उसमें डिस्कस करेंगे अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, और डिस्कस करेंगे भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जहां से 100% न्यूमेरिकल बनता है। और जो मैंने आज बताया ई सेल ई नोट सेल, उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर हो जाए। तो क्लास जो मंडे की जो क्लास होगी शाम को 8 बजे वाली, कोई भी मिस मत करना, मंडे की क्लास कोई मिस नहीं करना। और दोपहर में 3 बजे से भी बायो मॉलिक्यूल की क्लास स्टार्ट करता हूं, लेकिन कोई बच्चा आता नहीं है इसलिए मेरे को ऑफ करनी पड़ती है। तो कोशिश करें दोपहर 3 बजे बाद में और इवनिंग में 8 बजे से ये दोनों क्लास कंटिन्यू रखें। आई बात समझ में, मॉर्निंग में कोई क्लास हो नहीं पाती, लेकिन आफ्टरनून 3 PM के बाद में और इवनिंग में 8 बजे की क्लास, और संडे की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, संडे की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे।